राइजिंग स्टार प्ले वे स्कूल में प्रिंसिपल सोनिया रविनंदन शर्मा की अध्यक्षता में दिवाली फेस्टिवल मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चे फेस्टिवल का आकर्षण रहे, जिन्होंने अपनी माताओं संग सुंदर सुंदर रंगोली बनाई व रह वाक कर सबका मन जीता। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ममता आशु, पूनम शर्मा, अमिता मित्तू, सुमित कौर, सरबजीत कौर पहुँचे, जिन्होंने बच्चों व माताओं के टैलेंट की जजमेंट की व विजेताओं को अवार्ड दिया। इस अवसर पर सोनिया रविनंदन शर्मा ने कहा कि दिवाली पर्व देश का सबसे बड़ा पर्व है और इसका एक इतिहास है जिसके बारे सभी को ज्ञान होना अनिवार्य है। अर्थात दिवाली पर्व हमारे धर्म का एक अभिन्न अंग है जिसके बारे में बच्चों को विस्तार से बताया गया है। जनसब एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से शैली राजपूत की रिपोर्ट। हाँ जी, मैं सोनिया शर्मा, प्रिंसिपल राइजिंग स्टार प्ले वे स्कूल। आज हमने राइजिंग स्टार स्कूल में दिवाली फंक्शन रखा है। इसमें हम लोग मदर्स और चाइल्ड की एक्टिविटी करवा रहे हैं, जिसको कि अपने दिवाली से जो फेस्टिवल है उसके साथ जो रिलेटेड ट्रेडिशन है उसके साथ जोड़ने के लिए आज जो है मदर्स ने रंगोली बनाएंगे। इसके अलावा सेफ दिवाली, ग्रीन दिवाली का भी मैसेज है, जिसमें मदर्स घर से ही बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल की जो है प्रोडक्ट वो बनाकर लेकर आए हैं, वो डिस्प्ले किए, उसमें से जो जिनका सबसे बेस्ट होगा उनको प्राइज मिलेंगे। रंगोली का कंपटीशन करवाया जा रहा है, उसमें भी विनर्स उनको प्राइजेस मिले। इसीलिए हमने जो एक मैसेज के साथ में है हमारा कि दिवाली मनाई जाए, त्यौहार मनाने के लिए है, लेकिन इसको एक दायरे में रख कर, पटाखों की एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे ही पटाखे आजकल बहुत महंगे हो गए, एक तरह से पैसे चलाना है, मीन्स उसको जो एक लिमिट में रख के बच्चों को फुलझड़ी है, मीन्स एक रस्म के तौर पर पटाखों को चलाया जाए, ना कि उसमें सारे पैसे जलाए जाएँ। और इसके अलावा क्या है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो जितनी ग्रीन दिवाली होगी, इसके तरीके और भी हैं दिवाली को मनाने के, उन तरीकों के हिसाब से मैं पूजन के लिए बच्चों को बताया जाए कि सुबह उठकर तैयार होकर पूजा करनी है, हमने घर को सजाना है, साफ़ सफाई करनी, अपने रिश्तेदार परिवार के साथ मिलजुल के बैठना है, अपना उन बच्चों को अपनी जो ट्रेडिशन के साथ जोड़ना। जी, गोल्डी जी आए हैं हमारे गेस्ट, ये हमारा एक परिवार के ही सदस्य हैं जिनको आज हमने बुलाया, क्योंकि ये हमारा राइजिंग स्टार स्कूल जो है पेरेंट्स के साथ में हमारा ये परिवार है, जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे परिवार ही है। तब हमने सोचा कि ये दिवाली का त्यौहार है, हम अपने परिवार, जो स्कूल का परिवार है, हमारे अपना जो सोशल परिवार है, उसके साथ मिलकर मनाएं। जी मैम, क्या कहना चाहोगे, क्या नाम है आपका, क्या है? हाँ जी, मेरा नाम अमिता पुन्यानी है और आज हम राइजिंग स्टार स्कूल में सोनिया जी ने इनवाइट किया था। यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है और काफ़ी सारा कंपटीशन, मदर्स और पेरेंट्स को भी इनवाइट किया हुआ है, जिसमें मदर्स कंपटीशन में पार्ट्स ले रही हैं, बहुत सारी इन्होंने एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, खूब इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग और पेरेंट्स बच्चे भी इन्जॉय कर रहे हैं। आज वही मैं कह रही हूँ, आके बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि बच्चे इतने एक्टिव हैं, पेरेंट्स अब बहुत एक्टिव हैं, जो भी इन्होंने आज प्रोग्राम रखा है उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं डिफरेंट, उनका एनर्जी लेवल देख के हमने बहुत इन्जॉय किया। और आज यहाँ जजमेंट के लिए बुलाया गया था, जज करते हुए हमें मुश्किल आ रही थी कि किसको हम विनर निकाल लें, क्योंकि सब लोग इतनी तैयारी से आए हुए थे और दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सभी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो दिवाली के रंग में रंगे हुए नज़र आए हमें। क्या मैसेज क्या दिया दिवाली के लिए? दिवाली के लिए मैं यही है कि हम पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएं, ग्रीन दिवाली मनाएं, है ना, और मिट्टी के दिए ज़रूर खरीदें, क्योंकि जो वो हमारी वो वाली कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं लैक हो रही है, तो हम उनसे बजाय कि चाइनीज़ हम चीज़ें खरीदें, हम लोग मिट्टी के बने, हमारा जो कल्चर है उसको फॉलो करें तो बेटर है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम फिजा शर्मा है एंड ये हमारा स्कूल है राइजिंग स्टार्स प्ले वे, जो कि जसियां रोड लुधियाना हैबोवाल में है।
एंड आज यहाँ पर दिवाली का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ घर से कुछ आउट ऑफ वेस्ट चीज़ें बना करके लेकर आए हैं। और अभी रंगोली कॉम्पिटिशन भी चल रहा है एंड थोड़ी देर पहले ही तंबोला कॉम्पिटिशन भी रखा गया था। इस ऐसे फंक्शंस हमारे स्कूल में नॉर्मली होते रहते हैं, और आज के इस दिवाली के ओकेजन पे स्कूल वाले बच्चों को ये सब चीज़ें भी सिखा रहे हैं कि दिवाली की इम्पोर्टेंस क्या है एंड कैसे सेफली इस फेस्टिवल को मनाना चाहिए, कि पोल्यूशन वगैरह के जो एनिमल्स को हार्म करते हैं वो भी चीज़ें कंट्रोल में रखें, और जो चीज़ें लोग हाथों से बनाते हैं उसको ज़्यादा परचेज करें रादर की जो कि ऑनलाइन बिक रही है, बिकॉज जो हाथों से बना रहे हैं उनकी मेहनत ज़्यादा लग रही है। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं और ऐसे फंक्शंस हमारे स्कूल में रेगुलरली होते रहते हैं। क्या कहने जो लोगों को मैसेज देंगे बच्चों को जो पटाखे चलाते हैं बड़े बड़े, उनको कैसे? उनका मैसेज यही है कि देखिए पटाखे तो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो उनको यही सब सिखाते हैं कि अगर आप पटाखे बजा रहे हैं तो थोड़ा लिमिट में बजाएं, अगर हो सके तो ना ही क्रैक करें, बिकॉज इससे पोल्यूशन हो रहा है, सेहत पे नुकसान होता है, जानवरों के लिए अनहेल्दी चीज़ है। बट अगर आप खरीद भी रहे हैं कुछ भी, तो आप उनसे खरीदें जो हाथ से बना रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, और रादर के ऑनलाइन मत परचेज करिए। बच्चों रंगोली भी बनाई जा रही है? हाँ, बच्चे अपने माता पिता के साथ रंगोली बना रहे हैं, मोल्ड्स के साथ रंगोली बना रहे हैं, और घर से भी आउट ऑफ वेस्ट कुछ चीज़ें डेकोरेशन पीसेस बना के लेकर आए हैं।